हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने आपको द्विघात समीकरण का पहला लेसन जो 3A है ना, एक्सरसाइज 3A, इसका हमने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसका प्रिंट सही नहीं आया था, इसलिए आज फिर से उसको हम रिपीट कर रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3A में आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण पहचानना है, यानी जो समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, एक से लेके इसमें 10 क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक, तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था, ax² + bx + c = 0, ये तीनों द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बेस होता है ax² + bx + c = 0, है ना, ये भी द्विघात है। अगर आपका ax² हो और केवल bx हो उसके साथ और c ना हो तब भी द्विघात, यानी द्विघात में आपका ax² होना आवश्यक। ठीक, तो हमारा पहला सवाल है 6² + 4x, क्योंकि अब हमने बताया है कि x पे स्क्वायर होना चाहिए ना कि संख्या, यहाँ पे x है, x पे कोई घात नहीं है, इसलिए आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये ऐसे होता तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाता, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण पहला सवाल नहीं है। दूसरा आपका है कि ax² + bx - c = 0, ax² + bx - c = 0, ठीक है, ये ऐसे अगर देखा जाए इसमें तो ये आपका द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि जहाँ a = 0, यानी a का मान क्या है, 0 है, जब a का मान अगर आप 0 रखिएगा, 0 × x² bx - c = 0, ये आपका 0 × x² क्या हो जाएगा, 0, bx - c = 0, यानी ये स्क्वायर हमारा नहीं है, जब स्क्वायर हमारा नहीं है तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका जो है, पहले का तीसरा सवाल है, ये x × x + 3 = x², x × x + 3 = x², तो अब हम क्या करेंगे कि x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 3x = x², ये x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा केवल 3x बचा, जबकि ये भी द्विघात समीकरण में नहीं आएगा। अगला है x² + 1/x² = 2, करते हैं x² x4 + 1 2 by 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना होगा, x4 + 1 2x², घात देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम इसमें आप इसको इधर ला के आप समीकरण बना सकते हैं, लेकिन बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम घात देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम घात 4 है, तो मैक्सिमम घात 4 नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए आपका ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका है x² x + 3/x, इस बाई वन करके एलसीएम निकालते हैं, x हो जाएगा x² + 3x² / 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 में, इसका मल्टीप्लाई होगा x² + 3, यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है आपका 3, जब मैक्सिमम घात 3 है तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है अगला सवाल है 10, चूंकि बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं कि आप लोग उसको क्या करिएगा, उसको बाकी क्वेश्चन आप उसको बनाइएगा, है ना, तो अगला सवाल आपका है x - 2 का होल स्क्वायर + 2 = 2x, इसी को सॉल्व कर देते हैं, है ना, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
-2ab + b² ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर हम इसको तोड़ेंगे, ये हुआ आपका a², ये 2ab + b², ये +2 ये है, ये आपका 2x - 3, तो कितना हो जाएगा आपका x² 2 × 4x + ये 4 हो गया और ये 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। ये आपका x² 2 × 2 = 4 × x, आइए कितना हुआ 4, 2 × 2 कितना हुआ 4 और +2 कितना हुआ 6। ये इधर आइए, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ प्लस, इक्वल टू क्या हुआ 0। तो x² -2 - 4 कितना हुआ -6x और ये कितना हुआ 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण, सॉरी ये द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं था ठीक है। तो हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और बीच में कुछ क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 छोड़ दिए ताकि आप घर पे कुछ वर्क करिएगा, और ये एक ही बार 10 क्वेश्चन हमने बना दिया है ताकि बीच में जो भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं आप उसको क्या करिएगा घर पे बनाइएगा, और अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप हमको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हम नहीं बना पाए ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका जो क्वेश्चन है वो है 2, क्वेश्चन नंबर 2। 2 में आपको दिया हुआ है समीकरण 2x² - 5x + 2, 2x² - 5x + 2 = 0 है ना, का एक मूल 5 होगा, इसका एक मूल क्या दिया है, मूल हम आपको बताए हैं मूल का मतलब क्या होगा मान होता है, तो कह रहा है इस समीकरण का एक मूल 5 होगा क्यों। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, आप दो तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप x का वैल्यू एक मूल दिया है 5 रख दीजिए, अगर आपका 0 के बराबर आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है, या आप क्या करिए इसका गुणनखंड निकाल दे सकते हैं, गुणनखंड निकाल दीजिए कितना हो जाएगा इसका गुणनखंड, चूंकि आपको बताया जा चुका है पिछले लेसन में कि गुणनखंड कैसे किया जाता है ठीक है। तो 2x² ये कितना होगा 4x - x + 2 = 0, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि -4 - 6 कितना होगा -5, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4x² यानी इन दोनों के गुणनफल के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए कॉमन 2x, x - 2 कॉमन 1, x - 2 = 0। ये प्लस था तो माइनस कैसे हुआ, क्योंकि आप जानते हैं ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होता है तो है ना ब्रैकेट के अंदर का जो भी सिंबल होता है चिन्ह होता है बदल जाता है, तो आपका x - 2 एक खंड हुआ और 2x - 1 = 0, x - 2 = 0, x = 2, 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2, x का दो मूल यानी इस समीकरण का दो मूल एक 2 हुआ और एक 1/2, 5 नहीं है, है ना 5 नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ये क्या होगा नहीं, इस समीकरण का एक मूल -5 नहीं होगा, लिख देंगे इस समीकरण का एक मूल -5 नहीं है ठीक है। सवाल नंबर 2 में 4 सवाल है ठीक है, ये आपका पहला था, कौन था सवाल नंबर पहला था, और 2 बना सकते हैं आप, 3 भी बना सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो रूट में है जो आपको शुरू से पसंद नहीं है तो हम ही बना देते हैं इसको 4 2 ठीक है। आपका दिया है कि जांच, यही सेम क्वेश्चन है, समीकरण x² + √2x